ये हमारा यहाँ से केदारनाथ पैदल मार्ग जो फुट ट्रैक है 16 किलोमीटर। मंदाकिनी नदी, कितना अच्छा फ्लो है इसका। और ये यहाँ लिखा हुआ है केदारनाथ धाम में सभी श्रद्धालुओं का स्वागत है। बहुत लंबी लाइन लगी, ये अभी लाइन है टैक्सी की। कैसे हैं आप सब? और अभी बज रहे हैं 5:30 सुबह और हम लोग अब यात्रा शुरू करने जा रहे हैं श्री केदारनाथ जी की। सो, अगर व्लॉग पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोस को लाइक करिएगा और बेल बटन को हिट करिएगा। तो चलिए यात्रा शुरू करते हैं। अभी यहाँ से जाएंगे सोनप्रयाग अपनी गाड़ी से, फिर वहीं पर गाड़ी खड़ी कर देंगे, उसके बाद टैक्सी से गौरीकुंड और गौरीकुंड से फिर पैदल चलेंगे हम लोग। तो सब कुछ आपको दिखाया जाएगा। तो चलिए चलते हैं और यात्रा शुरू करते हैं। हर हर महादेव। यहाँ पे हम लोग रुके थे, ये होम स्टे नीचे यहाँ पे इस तरह गाड़ी लगाई थी। यहाँ पे ये रोड है ऊपर केदारनाथ जी वाली, वो गाड़ियाँ जा रही हैं। और नीचे यहाँ पे हम लोग ऐसे आए थे, रेडी हो गए। फ्रेंड्स, जहाँ हम लोग रुके हैं वहाँ से देख सकते हैं पहाड़ का दूसरी तरफ का व्यू, और वहाँ बर्फ दिख रही है। आई थिंक आप लोगों को दिखेगी कि नहीं, अभी थोड़ा सा धुंधला है बट बर्फ दिख रही है वहाँ पे, स्नो। तो फ्रेंड्स, हम लोग निकल चुके हैं हर हर महादेव और चल रहे हैं। आप रास्ते देख सकते हैं, ये गुप्त काशी तक के रास्ते बहुत ज़्यादा वैसे हैं। आप देख सकते हैं रोड सिंगल रोड है लगभग, और घाटी का व्यू आप देख सकते हैं। ये देखिए पूरा ये गुप्त काशी का एरिया वैली का। रात में नहीं देखिए, रात में तो आप देखिए। तो यहाँ पे आपको हर जगह बोर्ड मिल जाएंगे, एक्सीडेंट प्रोन एरिया, और रोड्स बहुत नैरो हैं, और बसेस भी चलती हैं तो बहुत कहीं रुक के पहले ही साइड देना पड़ता है। यहाँ आपको काफी सारे होटल मिल जाएंगे और पीछे भी बहुत सारे होटल्स थे। और 1 किलोमीटर बचा है गुप्त काशी। ये वैली का व्यू आप देख सकते हैं। तो हम लोग पीछे रुक गए थे क्योंकि इधर सारे होटल्स फुल हैं। केदारनाथ के लिए ये रोड लगा। ये देखिए गौरीकुंड 33 किलोमीटर, फाटा 14, केदारनाथ 54। देखिए हम लोग उत्तरकाशी पहुंच गए हैं, जो मेन मार्केट है वहाँ पे, और पीछे टैक्सी स्टैंड था। ये सॉरी गुप्त काशी पहुंच गए हैं, जहाँ मेन मार्केट आगे भी है पूरा गुप्त काशी, पीछे टैक्सी स्टैंड निकल गया। और यहाँ पे भी काफी सारे स्टेज मिल जाएंगे आपको। चट्टान जैसे बिल्कुल पहाड़ है। तो हम लोग नारायण कोटी पहुंच चुके हैं, यहाँ से अभी अराउंड 27 किलोमीटर बचा है सोनप्रयाग। तो बीच में ऐसे ऐसे छोटे छोटे से टाउन्स या गांव आप कह दीजिए, ये सब आते रहते हैं। यहाँ पे भी स्टे का है,
तो अगर आपको भीड़ से बचना है तो आपको सुबह जल्दी करना पड़ेगा, 4 से 5 बजे के पहले निकल जाइएगा। तो ये नारायण कोटी के बाद से ये रोड आप देख सकते हैं काफी बढ़िया, जैसे पहले हमारे रुद्र प्रयाग के पास तक रोड मिली थी, बल्कि और आगे तक गुप्तकाशी से पहले तक 5 किलोमीटर पहले तक जैसी रोड थी, अभी वैसे स्टार्ट हो गई है। बीच बीच में ये पैचेस आपको मिलेंगे जहाँ पे सिग्नल है, जहाँ पे लैंडस्लाइड ज्यादा हुआ, बाकी मुझे लग रहा है इधर से भी बनाई जा रही है। सामने गाड़ियां दिख रही चलते हुए ऊपर, वो ग्रीन वाला जो ऐसे, इधर भी गाड़ी धोने के लिए पानी, पानी पीने वाला भी ऐसा दिया स्रोत वाला, स्रोत का पानी ये देखिए इधर से आ रहा है ऊपर पहाड़ पे पार है अंदर, ये देखो झरने छोटे छोटे। कहीं कहीं पे रोड आपको थोड़ी सी खराब मिलेगी, ये देखिए बड़ा लेफ्ट में, ये देखिए गली का व्यू तो पूरे रास्ते में ही। हेलीकॉप्टर आप देख सकते हैं इस तरह से आपको मिल जाएगा, तो नियर हेलीपैड फाटा में पड़ेगा आपका, फाटा में ही हम लोग हैं अभी, फाटा हेलीपैड पे हैं, वहीं उसी का हेलीकॉप्टर का दिख रहा है। और हर जगह से जहाँ से भी आप मतलब हेलीकॉप्टर लेंगे तो हर जगह का चार्जेस अलग है। आप देख सकते हैं ये पूरा जाम लगा हुआ है फिर से, और वैली का व्यू भी देख सकते हैं आप, और हेलीकॉप्टर तो लगातार चल रहे हैं, ये हमारी गाड़ी खड़ी है यहाँ पे, तो ये बाहर से मैं व्यू दे रही हूँ आपको। तो आप फ्रेंड्स रोड देख सकते हैं, बहुत ही ध्यान से चलाइएगा यहाँ पे, और अगर आप नहीं कंफर्टेबल है तो आप टैक्सी ही हायर करिएगा, रोड आप देख सकते हैं एक ही गाड़ी निकलने की जगह ही है। हेलीकॉप्टर ये देखिए, ट्रैफिक जाम कितना लगा हुआ है यहाँ पे, और एक तरफ का रास्ता रोकना पड़ता है तभी निकल पाते हैं, थोड़ा थोड़ा सा चल रहा है और 17 किलोमीटर के लिए 1 घंटे से ऊपर का टाइम दिखा रहा है। ये खच्चर भी चलते हैं यहाँ पे, तो अगर आपको इससे जाना हो तो आप इससे भी जा सकते हैं। ये देखिए उत्तराखंड परिवहन की बस ऋषिकेश डिपो, ऋषिकेश जा रही है श्रीनगर ऋषिकेश, ये शायद सोनप्रयाग से आ रही होगी और कहाँ, तो ये पूरा जाम था, अब एक साइड रुका हुआ है तो एक साइड चल रहा है। त्रियुगी नारायण रोड पे हम लोग चल रहे हैं, त्रियुगी नारायण सोनप्रयाग रोड है,
राजकीय इंटर कॉलेज फाटा। ये बोर्ड आ गया है, सोनप्रयाग 13 किलोमीटर, गौरीकुंड 19, केदारनाथ 35। वहाँ पे सिंगल रोड है उस साइड, इसलिए रुका हुआ है। देखिए उधर से गाड़ियाँ आ रही हैं, तो एक तरफ रुका और नया ये कोई ब्रिज बनाया जा रहा है, आई थिंक कंस्ट्रक्शन हो रहा है। रोड भी थोड़ी गड़बड़ है, ये देख सकते हैं रोड। वो उत्तराखंड परिवहन की बस भी आ रही है ब्रिज का, वो सामने वो टनल एक बन रही है और यहाँ से एक्चुअली ये सिंगल बोला यहाँ पे टनल बन रही है, ये ब्रिज ये ब्रिज देख सकते हैं, थोड़ा हालत तो इसकी सही नहीं है। ये देखिए ट्रक गिर गया है, ऐसा मौसम तो कभी भी बदल जाता है। यहाँ पे वेदर में दिखा रहा था 70% बारिश होगी, देखते हैं। रोड्स कितनी नैरो है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। एक बार में एक ही गाड़ी निकल पा रही है, तो दूसरी वाली गाड़ी रुकी नहीं थी तो बैक करके लाए। इधर से हम लोग आ रहे हैं साइड से, यहाँ से रोड की आप चौड़ाई देख सकते हैं कितनी। ये पीछे जो गाड़ी है ये वाली, ये बैक हो गई है। सनराइज भी देख सकते हैं और आप देखिए रोड यहाँ से ये वाली कैसे निकलना। अपने नीचे हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, हम लोग निकल तो गए थे फ्रेंड्स 5:15 से 5:30 पे निकले थे, बट फिर भी अभी फाटा के बाद जाम लगा हुआ है और लोग बता रहे हैं पूरा सीतापुर तक जाम है ऊपर तक। तो जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं जाम लगा हुआ है फिर से, और तो थोड़ा बाहर टहल रहे हैं हम लोग, और काफ़ी लोगों से पूछा तो सब बता रहे हैं कि बहुत लंबा है अभी। तो पीछे मेरे वैली का व्यू देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर, हर पूरे रास्ते में व्यू ही व्यू हैं। सो जितना आपको दिखा सकते हैं उतना ही दिखा पाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। फिर ये देख सकते हैं मेरे पीछे, इस तरह जा रहे हैं हेलीकॉप्टर केदारनाथ के लिए। उधर से रास्ता आ रहा है, फ्रेंड्स जाम आप देख सकते हैं कितना लगा हुआ है, इसीलिए मैंने गाड़ी को यहाँ पे पार्क कर दिया। और एक ये होटल है सिंह, ये हमारा सिंह नॉर्थ इंडियन ढाबा है, 2 किलोमीटर पहले है, और गाड़ी को मैंने यहाँ पे पार्क कर दिया, आप देख सकते हैं इस तरीके किनारे करके, और ये वाइट पट्टी के अंदर है, तो पार्किंग का चार्जेस पड़ेंगे। तो चलते हैं, सारी गाड़ियाँ यहीं खड़ी हो रही हैं और बहुत जाम लगा हुआ है ऊपर, तो ऊपर पार्किंग फुल हो गई है सोनप्रयाग वाली पार्किंग, तो इसलिए यहीं पे गाड़ी हम लोग ने पार्क कर दी। यहाँ देख सकते हैं ये भैया है, इनका रेस्टोरेंट है, इनने पर्ची काट दी है, तो अब यहाँ पे गाड़ी खड़ी रहेगी। हम लोग शायद हमें अब कल वापस आना हो, भीड़ बहुत ज़्यादा है।
तो चलिए अब यहाँ से पैदल चलते हैं। तो हम लोग अब यहीं से पैदल चल रहे हैं सोनप्रयाग से, और सोनप्रयाग से देखते हैं टैक्सी करेंगे गौरीकुंड के लिए। सो चलिए चलते हैं। तो एक्चुअली वैसे तो 16 किलोमीटर की ट्रैकिंग है गौरीकुंड से, बट यहाँ से हमें 2-2.5 किलोमीटर और चलना पड़ेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं ट्रैफिक की कंडीशन क्या है, गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं और कोई फ़ायदा नहीं और लेट करने का। चलिए चलते हैं, जय बाबा केदारनाथ। अभी हम लोग चल रहे हैं ट्रैकिंग करके, मोस्टली लोग सब वहीं पीछे गाड़ी लगा के ही आ रहे हैं। वैली का व्यू ये देखिए फ्रेंड्स, पार्किंग है यहाँ नीचे, हम लोग इधर से ट्रैकिंग करके आ रहे हैं और ये पूरे फुल है ऑलमोस्ट। यहाँ पे ये डायरेक्शंस लिखे हुए हैं, ये देख सकते हैं यात्रा के लिए जो भी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कहाँ पे कितनी दूर क्या चीज़ है। तो इसका मैं आप पॉज करके देख सकते हैं पूरा ये। सोनप्रयाग, तो ये देखिए हम लोग सोनप्रयाग पहुंच गए और ये नीचे पार्किंग है एंड ऊपर भी। तो ये हम सोनप्रयाग पहुंच गए, ये सामने पार्किंग है इधर, ये पार्किंग है और वहां से टैक्सी मिलती है। और यहाँ पर अभी थोड़ा कुछ खाने के लिए रुका था, नाश्ता नहीं किया था कुछ, तो चलिए खाने के लिए हम लोग यहाँ रुके हैं। और गर्मी बहुत है यहाँ, जैकेट पहन के मत आइए, मतलब गर्मी क्या है तो ठंडा चलने में लेकिन गर्म लग रहा। तो यहाँ पे रुके हैं इस पर, तो यहाँ से 2 रास्ते कटते हैं, त्रियोगी नारायण के लिए ऊपर जा सकते हैं, ये रोड है, और सोनप्रयाग ये सामने आप देख सकते हैं। ये देखिए डिस्टेंस, गौरीकुंड यहाँ से 5 किलोमीटर। अभी लाइन में हम लोग लग गए हैं, ये लाइन एक्चुअली टैक्सी की है, देखिए उधर वहाँ तक आगे टैक्सी की लाइन है। ये सामने जो पार्किंग है ये सोनप्रयाग, जो बोलेरो खड़ी है यहीं से आपको गौरीकुंड तक की टैक्सी मिलेगी और इसके बाद फिर से ट्रैकिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ये सोनप्रयाग है पूरा, इधर पार्किंग, पीछे की साइड से हम लोग आ रहे थे लाइन। मंदिर का वो साथ भी सोनप्रयाग, हाँ यहाँ पे घोड़े और खच्चर के ये बुकिंग पोनी बुकिंग कर सकते हैं यहाँ पे, अगर आपको उससे जाना है। और यहाँ पे लोग लाइन से आ रहे हैं, बट ये पुलिस वाले बहुत ढीले हैं, यहाँ पे किसी को भी आने देना। तो मैंने बोला भी, बट वो कह रहे हैं कि आप ही देखिए, अब हम लोग देखेंगे हम लड़ाई करेंगे क्या उसमें। तो मतलब वही है कि थोड़ा आप लाइन से ही आइए अगर आप लोग आ रहे हैं तो। कुछ आप लोगों को मतलब बदतमीज लोग ऐसे मिलेंगे जो इसमें भी लाइन क्रॉस करने की कोशिश करेंगे अब, लेकिन वही है कि उनका दर्शन करने का कितना फल मिलेगा वो वही समझदार है। तो ये देखिए केदारनाथ धाम में सभी श्रद्धालुओं का स्वागत है, ये बोर्ड आ गया। अब यहाँ से टैक्सी पॉइंट है आगे से लेफ्ट में जाके, हम लोग 3 घंटे और ये तो अभी लाइन में लगे हैं। पीछे आप देख सकते हैं कितनी लंबी लाइन है, आगे चलता हूँ फिर दिखाता हूँ आपको पीछे की साइड में। ये मंदाकिनी नदी, कितना अच्छा फ्लो है इसका, और ये यहाँ लिखा हुआ है केदारनाथ धाम में सभी श्रद्धालुओं का स्वागत है। बहुत लंबी लाइन लगी, ये अभी लाइन है टैक्सी की। तो
फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पे हम लोग अभी लाइन में खड़े हैं जीप के लिए, और यहाँ पे एक प्रिकॉशन वाला बोर्ड है तो इमरजेंसी में ये आप कर सकते हैं। और ये नंबर से आप नोट कर सकते हैं। तो यहाँ से ये ब्रिज है, यहाँ से इसको क्रॉस करके आगे टैक्सी मिलेगी हमको। पीछे हम लोग लाइन में इस तरह से आ रहे हैं आप देखिए, और ये डिस्टेंस यहाँ से दिया हुआ कहाँ से कहाँ तक का है। तो लाइन एकदम किनारे से जाना है, जिनको पैदल जाना है वो इस तरफ से जाना। मंदिर ये वाला जो ब्रिज है ये क्रॉस करके हमको जाना है उस तरफ, और नीचे ये नदी फ्लो कर रही है मंदाकिनी रिवर, और उस साइड से हमको मिलेगी टैक्सी। तो वहाँ उस साइड से हमको टैक्सी मिलेगी, वहाँ से वो जो टैक्सी खड़ी है, और ये फ्लो देखिए आप। तो फ्रेंड्स जाम इतना था कि रास्ते में ही उतर गए, आप देख लीजिए साइड में बुरा लगी उधर से आ रही है जाम, और पीछे वैली का व्यू। तो अब यहाँ से पैदल चलना है 1.5 किलोमीटर गौरीकुंड, उसके बाद पीछे से हम लोग ट्रैकिंग करके आए हैं थोड़ा सा, और यहाँ से भी 16 किलोमीटर है दिखाता हूँ। तो ये हमारा यहाँ से केदारनाथ पैदल मार्ग जो फुट ट्रैक है 16 किलोमीटर्स चलते हैं।